हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है कुछ खास और कुछ स्पेशल है, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ कनेक्शन करने के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। आप सोच रहे होंगे कि हाउसेज ऑफ कनाडा ये कौन सा वीडियो है, पर मैंने थोड़ा गौर से देखा, जब मैं छोटी थी, मेरे बच्चे छोटे थे, अभी यंग जनरेशन जो 1990s में जन्मे हैं, लेट 1990s में जन्मे हैं, वो भी अगर हमने या तो हमारे ड्राइंग टीचर्स ने ऐसे बोला कि प्लीज़ ड्रॉ अ हाउस एंड देन सीनरी बनाओ, तो हम एक टिपिकल हाउस बनाते थे। एक छज्जा, ऐसे छज्जा होगा, फिर ऐसे ऐसे, फिर विंडो, डोर, ऐसा सब होगा, एंड देन वहाँ से रास्ता जाता होगा, ऐसा हम ड्रॉ करते थे। तो इट इज़ नेचुरल, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि और इंडिया में ऐसा घर जो हम ड्रॉ करते हैं वैसा घर देखना तो मुश्किल ही है, पर जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा ड्रॉ करते हैं। पर जब मैं कनाडा आई तो मैंने देखा कि यहाँ के मोस्टली ऑल द हाउसेज आर द वे वी वर ड्रॉइंग इन आर चाइल्डहुड। तो मैंने तो कभी कनाडा देखा नहीं है, मेरे बच्चों ने भी कभी कनाडा देखा नहीं है, हमारे वहाँ इंडिया के बच्चों ने भी कनाडा देखा नहीं है, फिर भी हम वैसा घर बना रहे थे जो कनाडा में एग्जिस्टिंग है। मतलब इट वाज समथिंग अनयूजुअल फॉर मी कि ऐसा घर एग्जिस्टिंग है और वो हमें मुझे यहाँ पे देखने को मिला। बाकी कंट्रीज में होंगे, पर इंडिया में ऐसे घर जो हम ड्रॉ करते हैं ऐसा घर तो देखने को बहुत कम मिलता है। I don't know what is the relation between that, but आप मेरा ये जो 2 मिनट का वीडियो है आप इसे enjoy करिएगा and then you will be able to relate कि मैं जो बोल रही हूँ वो you will be able to relate with that. So please enjoy. Thank you.